तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन का कैमरा यूज़ करके आप मैथ्स के कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो टिल एंड तक अच्छे से देखना होगा, तो मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूँगा कि आप कैसे ये कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो सबसे पहले तो आपको जो है अपने फ़ोन में ये ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम फोटो मैथ्स कैमरा कैलकुलेटर है। तो आप इसको जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है, आप वहाँ पर जाके भी इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली इसे ओपन करना है। आप ओपन करते से ही आपको जो है इसमें कैमरा मिलेगा, कैमरा ओपन हो जाएगा, आपसे ये परमिशन मांगेगा, तो आप इसको परमिट कर दीजिए। अब क्या है कि आप इसमें यहाँ कैलकुलेटर पर क्लिक करके अपने क्वेश्चन यहाँ पर दे सकते हैं, और आप जो बेसिक कैलकुलेटर वैसे भी इसको जो यूज़ कर सकते हैं, या आप जो इसमें जो इक्वेशंस बनाते हैं वो भी यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक जो है कैलकुलेटर की बात हो गई, लेकिन इसमें जो है जो इसका की फीचर है वो इसका कैमरा से जो है कैलकुलेशन परफॉर्म करना। तो अगर आप अभी देखें तो मैंने कई सारे जो है कैलकुलेशंस पहले से ही लिख के रखे हैं। तो हम आपको क्या करना होगा कि इस जो बॉक्स के अंदर आपको जो है अपने जितने भी आपको जो कैलकुलेशन आपको जो करना है वो यहाँ पर लाना होगा उस बॉक्स के अंदर, और उसके बाद जो है यहाँ पर वो आंसर इसका जो है बता देगा। अगर आपने जो है क्वेश्चन गलत पुट करा तो ये भी बताएगा कि आपने क्या गलती करी है, और अगर आप जो इसके स्टेप बाय स्टेप इस जो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको जो है बता देगा। तो हम ये अब इसमें कोई इक्वेशन वाले क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये जो है वैल्यू गलत पुट कर लेता है, वो इसलिए क्योंकि ये जो है अभी डेवलपिंग है, ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, तो इसके कारण ये कई बार आपको शायद गलत बता दे, अगर मतलब इनपुट गलत ले। जैसे कि अभी मैं आपको एक बार एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो ये कई बार इनपुट गलत ले लेता है, और अभी तो सही ले रहा है। तो ये देखिए, ये इनपुट इसने जो है गलत लिया है, यहाँ पर लिखा कुछ और है और ये जो इनपुट इसने कुछ और ही लिया है। तो इस जो है ये अभी डेवलपिंग ऐप है, तो इसमें जो है ये एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको शायद महसूस होगी। और एक प्रॉब्लम मुझे जो लगी है वो है ये कर्सिव कैपिटल्स कर्सिव लेटर्स को नहीं यूज़ करता। जैसे कि अगर हम इस पे लिखे तो ये सिन को ले लेगा, लेकिन अगर हम इस पे भी अगर देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें मैंने कर्सिव लेटर में नहीं लिखा है। तो आप देख लीजिए इसने जो अभी इसको ले लिया है, लेकिन अगर मैं ये कर्सिव लेटर में लिखता हूँ, जैसे कि आप ये बी देख लीजिए, तो ये बोलता है सॉरी कैन नॉट फिगर आउट दिस। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको ये मैसेज आ जाएगा। तो बस यही इसकी एक जो है प्रॉब्लम मुझे लगी, बाकी ये सारे जो है आपके क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्टली जो है फाइंड करता है और आंसर भी देता है। और एक अच्छी बात मेरे को इसकी ये लगी कि जो है आंसर देने के बाद वो प्रूफ भी करता है कि आपको आंसर कैसे मिला। तो अगर आप यहाँ देखें तो आप अलग अलग स्टेप्स भी इससे पूछ सकते हैं कि आप कैसे ये आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्टली देता है, कोई एरर नहीं करता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको एक लाइक देना भी ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए पूरी एंड तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।